देश में 19 अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम दौर है। अब इंतजार है परिणाम का। इस चुनाव में कई ऐसी सीट और ऐसे चेहरे थे जिस पर देश भर की निगाहें टिकी थी। रायबरेली की सीट इन्हीं चुनिंदा सीटों में एक है। यहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी मैदान में है। राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह और बसपा के ठाकुर प्रसाद यादव। इस सीट पर कुल 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने इस सीट पर अंतिम समय तक सस्पेंस बनाए रखा। राहुल की उम्मीदवारी की घोषणा पर्चा दाखिल करने के अंतिम दिन की गई। राहुल रायबरेली के अलावा केरल के वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली में पांचवें चरण का चुनाव 20 मई को कराया गया था। इस सीट पर 58.12% वोट हुए। इससे पहले 2019 के चुनाव में 56.34% मतदान किए गए। इस तरह 2019 के मतदान की तुलना में इस साल 1.78% अधिक हुआ। अगर विधानसभा वार मतदान के आंकड़ों की बात करें तो बछड़ावा में 60.20%, हरचंदपुर में 60.16%, सदर में 57.73%, सरेनी में 55.56% और ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में 57.31% मतदान हुआ। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने 2004 से 2019 तक के चुनाव में रायबरेली से सांसद चुनी गई, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने संसद जाने के लिए लोकसभा की जगह राज्यसभा का रास्ता चुना है। इस साल वो राजस्थान से राज्यसभा सदस्य चुनी गई। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रही है। आजादी के बाद से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 3 बार ही इस सीट पर हारी। पिछले 3 बार से सोनिया गांधी इस सीट से जीत रही थी, लेकिन उनकी जीत का फासला लगातार कम होता गया। अगर पिछले 3 चुनावों की बात करें तो 2009 में वो 3.72 लाख, 2014 में 3.52 लाख और 2019 में वो 1.67 लाख वोट से ही जीती थी। इससे पहले 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में जिले की 5 में से 4 सीटें बछड़ावा, हरचंदपुर, सरेनी और ऊंचाहार में सपा ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी केवल सदर सीट से ही जीत पाई थी। 2024 चुनाव की बात करें तो कांग्रेस बहुमत के करीब तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन पिछले बार से अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही है। वहीं राहुल गांधी को भी इसका फायदा अपनी दोनों सीटों पर मिलता दिख रहा है। दोनों ही सीटों पर राहुल ने बढ़त बनाई है। अंदाजा यही है कि राहुल दोनों सीटों से जीत सकते हैं। इसमें रायबरेली की सीट की जीत जितनी अहम होगी उतनी ही वायनाड की सीट की जीत भी, क्योंकि जहां रायबरेली की सीट कांग्रेस की विरासत है तो वही वायनाड की सीट राहुल के लिए धर्म भूमि है, जहां से पिछली बार वो जीत कर लोकसभा पहुंचे थे। तो अगर राहुल दोनों ही सीटों से जीतते हैं तो उन्हें नियम के मुताबिक एक सीट छोड़नी होगी, क्योंकि वो सिर्फ एक ही सीट से लोकसभा जा पाएंगे। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल कौन सी सीट छोड़ेंगे और कौन सी चुनेंगे।